हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकी गानोत्रा। तो गाइस, आज हम पबजी मोबाइल को हैक करने वाले हैं, वो भी एक कूल तरीके से। हालांकि इससे पहले हमने हमारी चैनल पर पबजी लाइट की हैकिंग वीडियो डाली थी, जो आप लोग को काफ़ी सारी पसंद आई थी, पर आज हम पबजी मोबाइल को हैक करेंगे। तो गाइस, वीडियो देखती रहना। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि पबजी मोबाइल को हैक करने के लिए कितने भी यूट्यूबर वीडियो डाल लें या पबजी मोबाइल के कितने भी वर्जन अपडेट आ जाए, पूरे उसे जो हैक करने का तरीका होता है वो यही तरीका रहता है। तो अगर आपको सीखना है कि पबजी मोबाइल को लोग कैसे हैक करते हैं या आप कैसे पबजी मोबाइल को हैक कर सकते हैं, तो गाइस ये वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहना, क्योंकि इसमें मैंने पूरा समझाया हुआ है कि पबजी मोबाइल कैसे हैक होता है। पबजी मोबाइल को हैक करने का सिंपल तरीका है, आप कुछ एप्लीकेशन और कुछ फाइल की मदद से पबजी मोबाइल को हैक कर सकते हैं। हर बार इसको हैक करने के लिए यही तरीका रहता है, सिर्फ होस्ट फाइल चेंज होती है और स्क्रिप्ट चेंज होती है, बाकी कुछ नहीं चेंज होता है। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको सिखा देता हूँ कि पबजी मोबाइल को कैसे हैक करते हैं। तो आपको कुछ बात का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको अपना मेन अकाउंट यूज़ नहीं करना है। आप जो भी पबजी मोबाइल हैक यूज़ कर रहे हो अगर, तो आपको दूसरा कोई अकाउंट बनाना है और उसको यूज़ करना है। हालांकि ये वाली जो टेक्निक है वो एंटी बैन है, इससे आपका अकाउंट कभी भी बैन नहीं होगा, पर फिर भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मेन आईडी यूज़ मत कीजिए। अगर आप अपना मेन आईडी यूज़ करते हो और हो सकता है बैन हो जाएगा, तो इसके लिए हमारी चैनल जवाबदार नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना मेन आईडी बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, आप दूसरा अकाउंट आईडी बनाइए और उसको ट्राई कीजिए, उसको यूज़ कीजिए, ताकि अगर आईडी बैन हो जाता है तो आपको कोई दिक्कत ना आए। हालांकि इसमें जो फाइल दी गई है वो होस्ट फाइल एंटी बैन है और जो स्क्रिप्ट दी गई है वो स्क्रिप्ट भी एंटी बैन है। पर कुछ बार क्या होता है, पबजी मोबाइल वाले जो बनते बैठे रहते वहाँ पर वो फाइल है, होस्ट फाइल रहती है, उसे पैच कर लेते, तब जाके अकाउंट बैन की दिक्कत आ सकती है। हालांकि इसमें आपका अकाउंट बैन होगा तो भी 5 या 15 मिनट के लिए बैन होगा, ज़्यादा टाइम के लिए आपका अकाउंट बैन नहीं होगा, फिर भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बात का आप ध्यान दीजिए। इसके अलावा दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आप हैक यूज़ कर रहे हो वो कम हैक यूज़ कीजिए। अगर आप एक साथ ज़्यादा हैक यूज़ कर लेते हो तो क्या होता है, पता चल जाता है कि आपने हैक यूज़ किया हुआ है तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप जो भी हैक यूज़ करें कम हैक यूज़ करें। कौन कौन से हैक यूज़ करने हैं वो मैं आपको जब भी लास्ट में आपको हैक करके दिखाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि यही हैक आपको यूज़ करने हैं। अगर आपका फ़ोन रूट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ज़्यादा हैक यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपका फ़ोन रूट नहीं है तो आपको वॉल हैक, कलर हैक, हेडशॉट हैक करना है। इसके अलावा नो रिकॉल हैक कर सकते हैं, सीट स्कोप का जो ऑप्शन आता है वो हैक कर सकते हैं, और काफ़ी सारे जो एंटीना का ऑप्शन आता है वो हैक कर सकते हैं। तो इतने हैक काफ़ी होते हैं आपको चिकन डिनर मतलब करने के लिए, तो यही हैक आपको यूज़ करने, ज़्यादा हैक यूज़ नहीं करने तो आपकी अकाउंट आईडी कभी भी बैन नहीं होगी। मैंने जो ये वाली टेक्निक है वो काफ़ी मैच खेल के यूज़ किया था, तो मेरा आईडी कभी बैन अभी हुआ नहीं, क्योंकि मैं हैक ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन रूट नहीं, पर इतने हैक काफ़ी है मेरे लिए चिकन डिनर करने के लिए। तो आप इतने ही हैक यूज़ करना, ज़्यादा हैक यूज़। तो गाइज़, यहाँ पर जो हैकिंग स्क्रिप्ट दी गई है वो फुल्ली VIP स्क्रिप्ट है, ऑलमोस्ट आपको सभी हैक यहाँ पर मिल जाएगी। कोई भी हैक आप ले लो, हेडशॉट ले लो, लॉन्ग जंप ले लो, हाई जंप नो डैमेज लो, सब भी हैक आपको इसमें मिल जाएगा, वॉल हैक सभी मिल जाएगा, कलर हैक सभी मिल जाएगा। तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे पबजी मोबाइल को हैक करना है, कौन कौन से एप्लीकेशन की मदद से हैक करना है। तो अब चलिए मेरी मोबाइल की डिस्प्ले पर चलते हैं। तो गाइस, जो आपको हैक करने के लिए स्ट्रेंज VPN की ज़रूरत पड़ेगी, वर्चुअल मोड की ज़रूरत पड़ेगी, गेम गार्डियन की ज़रूरत पड़ेगी और पबजी मोबाइल तो आपके मोबाइल में इंस्टॉल ही होगा। इसके अलावा आपको दो फाइल की ज़रूरत पड़ेगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक तो होस्ट फाइल होगी और एक फाल्कन स्क्रिप्ट, मतलब ये दो फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, एक स्क्रिप्ट की और एक होस्ट फाइल की। तो सभी की लिंक नीचे दी हुई है, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको स्ट्रेंज VPN को ओपन करना है। यहाँ पर नीचे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, रीसिलेक्ट होस्ट फाइल, तो इस पर क्लिक कीजिए और जो मैंने होस्ट फाइल डाउनलोड करवाई हुई है वो आपको डाउनलोड या फिर रिसेंट में मिल जाएगी, एंटी बैन होस्ट या रही फाइल, तो इसको सिलेक्ट करना है। अब पहली बार सिलेक्ट करेंगे तो परमिशन मांगेगा, तो परमिशन दे देंगे तो आपका VPN चालू हो जाएगा और डिस्प्ले पर ऊपर ही VPN चालू है ऐसा आ जाएगा। तो सबसे पहले ये करना है तो ही आपका अकाउंट बैन नहीं होगा, तो इस बात की बहुत ध्यान रख। हर बार आपको VPN कनेक्ट करने के बाद ही पबजी मोबाइल को हैक करना है, तभी जाके आपका अकाउंट कभी बैन नहीं होगा। अब आप वर्चुअल मोड जो मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई उसे ओपन कीजिए। अब पहली बार ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको प्लस का साइन आएगा, तो आपको पबजी मोबाइल और गेम गार्डियन उसको सिलेक्ट करके क्लोन बनाना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्लोनिंग बनाया हुआ है। अब आप पहले गेम गार्डियन ओपन कीजिए।
तो जैसे कि यहाँ पर गेम गार्डियन ओपन होगा तो स्टार्ट के ऊपर फिक्स इट का ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्रिवेंट अनलॉक, यहाँ पर आपको लेवल 3 रखना है। उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए, कोई ऐड आती है तो उसको बंद करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर गेम गार्डियन चालू हो गया है ऊपर, तो अभी हम वर्चुअल मोड को फिर से ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर पबजी मोबाइल को स्टार्ट करना है। तो गाइस जब तक हमारी गेम चालू हो जाती है तब तक मैं आपको गेम गार्डियन में कहाँ कहाँ सेटिंग करनी है वो बता देता हूँ। तो गेम गार्डियन आपको ओपन करना है, तो यहाँ देखिए सिलेक्ट प्रोसेस में आपको पबजी मोबाइल सिलेक्ट करना है, अगर यहाँ ऊपर लाइन आ रही है वहाँ क्लिक करेंगे तो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको सेटिंग में चले जाना है, ऊपर कॉर्नर में जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सिलेक्ट मेमोरी रेंज का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको सारे ग्रीन वाले पर राइट क्लिक करना है और एक रेड वाले पर राइट क्लिक करना है और सेव कर देना है। तो इस सेटिंग का ध्यान दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर जो हाइड गेम गार्डियन का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर आपको जाना रहेगा और सारे राइट क्लिक करने हैं आपको और सेव कर देने हैं। इसके बाद आप फिर से सर्च में आ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमारा गेम स्टार्ट हो गया है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हैक करना है। अब गेम चालू होने के बाद कौन कौन से हैक कब यूज़ करने हैं उस बात पर आप ध्यान रखना। जब भी हम लॉबी में हो तो हमें वॉल हैक और कलर हैक यूज़ करना है। तो गाइस यहाँ पर गेम गार्डियन में सिलेक्ट प्रोसेस हो जाने के बाद आप प्ले वाले बटन पर चले जाना है। जैसे कि यहाँ पर सिलेक्ट प्रोसेस में आपको पबजी मोबाइल रखना है, पहले जो ऑप्शन आए वही रखना है। अब प्ले का ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर क्लिक कीजिए और 3 टैब आ रहे हैं वहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड में ये स्क्रिप्ट आपको मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, नीचे जो ऑप्शन आ रहा था वो क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब भी आप लॉबी में होते हो तो आपको वॉल हैक और कलर हैक यूज़ करना है और अंदर जाने के बाद बाकी के हैक यूज़ करने हैं। अगर आप अंदर चले जाते हो उसके बाद वॉल हैक यूज़ करते हो तो पूरा स्क्रीन कलर कलर हो जाएगा, इसलिए वॉल हैक को आपको लॉबी में ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट थोड़ा टाइम लगी। अब वॉल हैक जब भी आप यूज़ करते हैं तो आपके मोबाइल के प्रोसेसर के हिसाब से वॉल हैक यूज़ करना है। जैसे कि मेरा ये प्रोसेसर है तो उसके हिसाब से अगर आप यूज़ करेंगे तभी वॉल हैक काम करेगा। अगर आपको देखना है वॉल हैक कौन सा प्रोसेसर है आपके मोबाइल का, तो उसके लिए प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन है CPU Z, उसके लिंक नीचे दी हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और उसके हिसाब से ही वॉल हैक यूज़ कीजिए। देखिए यहाँ पर वॉल हैक हो गया है, अब कलर हैक आप यूज़ कर सकते हैं। तो लॉबी में होते हैं तब जाकर आपको ये हैक यूज़ करना है, ठीक है। तो ये वाली स्क्रिप्ट में आप कौन कौन सा हैक यूज़ कर सकते हो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो के आगे अंदर जाने के बाद। तो यहाँ पर अभी हम गेम स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए गाइस अभी मैं अंदर आ गया हूँ गेम के अंदर, तो कौन कौन से हैक अभी यूज़ करने वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस चालू होने के बाद आपको गेम गार्डियन का जो ऑप्शन आ रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हैक ऑल डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सीट स्कोप का ऑप्शन लगा सकते हैं, हेड शॉट का ऑप्शन लगाना है, मैजिक हिट का ऑप्शन लगाना है, अगर वॉल हैक सपोर्ट नहीं करता है तो एंटीना का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है वो लगा सकते हैं। तो इतने ऑप्शन लगाना है, इसके अलावा आपको लेस रिकॉल का ऑप्शन आता है वो लगा सकते हैं। इतने ऑप्शन लगाने के बाद आप ओके कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली वो हैक होता रहेगा। तो इतने ही ऑप्शन लगाने, इतने ऑप्शन काफ़ी है आपको कोई भी चिकन डिनर करने के लिए। अगर आप इतने ही हैक यूज़ करेंगे तो आपका अकाउंट बैन नहीं होगा या किसी को पता नहीं चलेगा कि आप हैक यूज़ कर रहे हो। तो आप इतने ही हैक यूज़ कीजिए और इतने हैक ट्राई कीजिए तो आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। अगर आपका अकाउंट बैन होता है तो भी 5 या 15 मिनट के लिए बैन होगा। तो आप ये वाली टेक्निक यूज़ करके ट्राई कीजिए। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।